यह घटना है लॉकडाउन 2 खत्म होने से पहले। केंद्र सरकार ने लॉकडाउन 3 की घोषणा कर दी और उसे 17 मई तक बढ़ाया, और ये लॉकडाउन बढ़ाने के बाद अनुराग कश्यप जी ने एक ट्वीट किया कि लॉकडाउन और चलेगा, ये नहीं रुकने वाला। गवर्नमेंट के पास कोई प्लान नहीं है, कोई स्ट्रेटजी नहीं है और पैसा भी नहीं है। ये समय है कॉरपोरेट इकोनॉमिस्ट और साइंटिस्ट सारे लोगों को इकट्ठा आकर एक सॉल्यूशन निकालने का समय है, और ये सब पीएम मोदी की तरफ से होना चाहिए। ऐसा उन्होंने ट्वीट किया। और फिर क्या था, लोगों ने ट्विटर पर ट्रोल करना शुरू कर दिया। आइए देखते हैं कुछ कमेंट। मनीष कुमार जोशी कहते हैं कि ऐसे कितने इकोनॉमिक साइंटिस्ट और कॉरपोरेट्स आपको फॉलो करते हैं। पवन शर्मा कहते हैं कि ये कोई 3 घंटे की मूवी नहीं है जहाँ पे क्लाइमैक्स में एकदम से सब ठीक हो जाएगा, ये वेब सीरीज़ है जिसका सीज़न 3 चल रहा है। और आयुष पटवारी कहते हैं कि आप सिर्फ एक डायरेक्टर हो और वो प्रधानमंत्री है देश के, वो आपसे बेहतर जानते हैं देश को कैसे कंट्रोल किया जाता है। तो आप अपने घर पर बैठिए, और हाँ आपके पास अगर कोई प्लान हो तो हम सुनने में इंटरेस्टेड नहीं है, थैंक यू। और रोहित राय कहते हैं कि फिल्म लाइन छोड़ के इकोनॉमिक्स मत बन जाना। और अनमिक सेनगुप्ता कहते हैं कि आपका क्या योगदान है देश के लिए, ऐसी परिस्थिति में भी आप सिर्फ ट्वीट करते बाकी कुछ नहीं करते।